हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। गीतकार की ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है उत्तराखंड के मौसम पर। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते से बेमौसम बारिश और जमकर हिमपात हो रहे हैं। बरसात से एक बार फिर से ठंड लौट आई है। बारिश से राजधानी दून में जहाँ दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गयी, वहीं मसूरी में बर्फबारी से पहाड़ों की खूबसूरत छटा देखते ही बनती है। यूं तो मौसम के करवट बदलते ही ठंड भी बढ़ गई है, पर दूर दराज से आ रहे सैलानियों के लिए ये मौसम यादगार बनकर रह गया है। लोग जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारा यहाँ पे आना जाना बहुत हमें अच्छा लगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, बर्फ हमें मिल गई, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि बर्फ पड़ी मिलेगी हमें। इसी को कहते हैं जन्नत, इंडिया में जन्नत। हमारा स्वर्ग, यही है इंडिया का स्वर्ग और इसी को कहते हैं जन्नत। यही है इंडिया की पहचान, नहीं देखने को मिलेगा। बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ों की मनोरम फिजाएं जहाँ सैलानियों के मन मोह रही है, वही ये मनोरम छटा धरती पर स्वर्ग होने का आभास देती है। मसूरी में फरवरी के माह में बर्फबारी वाकई में सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों और युवाओं के चेहरे में गुनगुनी मुस्कुराहट ले आई। लोगों के उत्साह के आगे मानो ठंड की ठिठुरन का एहसास भी कोसों दूर हो। यूं तो उत्तराखंड पर्यटकों के बीच ठंडी वादियों को लेकर खासा प्रसिद्ध है, पर वहीं जब ठंड का मौसम रुमानी हो जाए तो ऐसे में सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी खुद को कैसे रोक पाते खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाने से। देवभूमि का मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब तेज धूप हो और कब बरसात हो जाए। बेमौसम बर्फबारी का लुत्फ तो जरूर लीजिए, पर मौजूदा समय में ठंड का मजा लेने के साथ ही इससे बचने की भी खासी जरूरत है। मसूरी से रश्मि भगवती की रिपोर्ट।